शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज की नौकरी मैंने बच्चों की खातिर छोड़ी थी। मुझे नहीं मालूम था कि गांव में आकर भी ऐलान जंग करना पड़ेगा। विशाल, लगी तो नहीं, लगी तो नहीं। सॉरी, उसमें कैसे लग गया? एक मिनट, इसका इलाज है। ठहर, आ लाज रहा, हाथ दिखा दे। चाचा से भारी है। आए बापू, चूरा चूरा कर दी मेरी कमर। क्या हुआ बेटे? आए 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 आए, क्यों चिल्ला रहे हो? उन दोनों ने मिलके मुझे बहुत मारा बापू। उन खेतों पे उनका कब्जा पक्का, समझो। हाँ, और भूल जाओ खेत खलियानों को। जूते पहने हुए? बिल्कुल। चलो घास छोड़ के चलते। चुप। देखो बाबूजी, अब तो विशाल और ठाकुर दोनों हाथापाई पर भी उतर आए। अरे शराफत का जमाना ही नहीं रहा। जब से वो इस गाँव में आकर बसे हैं, अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रहे ना। अरे अब तो हमारी जमीन भी हमारे हाथ से जा रही है। नहीं नहीं बाबूजी, बहुत हो गया। अब तो पंचायत बिठानी पड़ेगी। बापू जरूर बिठाओ, पंचायत बिठाओ। हम कहाँ जा रहे चाचू? पंचायत फुट्टू खचवा। क्या चाचू? उस गजराज ने फिर कुछ पंगेबाजी की है हमारी जमीन हड़पने की। चाचू अगर उसने आज ऐसी वैसी हरकत की ना, तो मैं पंचों के सामने उसे मारूंगा। और नहीं नहीं नहीं, वहाँ जोश में मत आ जाना। पंचायत के कुछ कायदे कानून होते हैं, अगर उसने कोई गड़बड़ की तो देख लेंगे सारे को। पंचो, बात दरअसल ये है कि वो नहर वाली जमीन जो है, वो मैंने 15 साल पहले ठाकुर अजय सिंह के बड़े भाई ठाकुर पीताम्बर सिंह को नकद रुपए देकर खरीदी थी, लेकिन उस पर हमारा हक आज तक नहीं हुआ। वो जमीन हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। मैं बाप, सारा गांव जानता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। गजराज, तुम्हारे बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन नौटंकी अच्छी कर लेते हो। क्यों खामखा हमारा और पंचायत का वक्त बर्बाद कर रहे हो? वक्त वक्त का सही फायदा तो आप उठा रहे हैं, जो अपने बड़े भाई के गुजर जाने के बाद पूरी जायदाद पर हक जताने यहां चले आए। ए! बोल दिया, अब मेरी सुन और ये जान ले कि मेरे चाचा हमारे मां बाप से भी बढ़कर हैं। इन्होंने हमारी परवरिश की खातिर
अपना घर नहीं बसाया, हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान की, और तू ज्यादा की बात करता है। अरे इनका तो हमारे रोम रोम पे हक है, समझे? समझे बापू। विशाल, विशाल बैठ जा बेटे, बैठ जा। भरी पंचायत के सामने ठाकुर अजय सिंह वादा करता है, अगर गजराज इस जमीन की खरीद के कागजात, कोई गवाह, कोई सबूत पेश कर दे तो आज ही जमीन इसके नाम लिख दूंगा। सारी बातें सुनने के बाद यह पंचायत फैसला ठाकुर साहब के हक में देती है। आइंदा हमारे घर में दरार डालने की ऐसी गंदी हरकत की तो फैसला पंचायत नहीं, मैं करूंगा। बापू धोती कुची कर लो। क्यों? भागने में आसानी होगी। नहीं 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 होगा। अब, अरे पता नहीं कैसे होगा, कब होगा वो पता क्या नहीं है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? चाचू ये आपसे नहीं, अपने आप से बात कर रहा था। हाँ तो फिर क्या करें, इस घर में बात करने वाली सिर्फ मुस्कान थी, वो भी शहर चली गई। हाँ अब मैं अकेले में बात करके अपना दिल बहला लेता हूँ। बोल दिया? हाँ बोल दिया। क्या बात है विशाल, मुस्कान की याद आ गई? देखो मैं जमीन के सिलसिले में दिल्ली जा रहा हूं, तुम जाकर मुस्कान से मिलाओ। चलो विशाल, शहर जा रहे हो? हाँ। मुस्कान से मिलने? हाँ। मुस्कान को मेरी तरफ से देखना। ठीक है। क्या होगा मेरा? सूरज इस मामले में ना तुझसे बड़ा डरपोक मैंने आज तक नहीं देखा। अरे वो बात नहीं है, पहली बार किसी को फूल दे रहा हूं, रिजेक्ट कर दिया तो? अबे तू बहरा हो गया क्या? तूने सुना नहीं उसने क्या कहा था? क्या? उसकी नाम है ही उसकी हाँ है। हाँ। हाँ। चलो फिर देखते हैं बात की। चलो चलो। तेरी जुगत, सूरज प्लीज समझने की कोशिश करो, ये मेरे अरे इसको तो हम लोग ही देख लेंगे। Oh!
बहुत स्ट्रॉन्ग है यार ये। अबे सारी कॉलेज में मार खा रहा है। अरे हम लोग की इज्जत का सोचा होता यार। अबे जान रहेंगी तो इज्जत के बारे में सोचूंगा ना। उस मुए ने मेरे पीछे से हमला किया ना। अरे हम सबको इतना मारी, कम से कम दो फट के तो मार के आना। ऐसा अरे ऐसा दो मारूंगा इसके 50 के बराबर होएगा। भैया जरा सुनिए तो। मैं अपनों से बड़ों की अपने बराबर वालों की बात सुनता हूं, इसलिए तो कह रहा हूं। सर मैं मुस्कान से बोल दिया, अगर एक लफ्ज भी और कहा ना तो मैं तुम्हारी जबान खींचकर गर्दन से लपेट दूंगा। सर जी एक्सक्यूज मी, जरा मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो, और अगर तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो ना तो लिख लो, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। आज के बाद अगर बच्ची से मिलने की कोशिश की ना तो तुम्हारी पिक्चर दी एंड कर दूंगा। यार क्या चोर के बट के मार के गया, सब हिल गया। ये भाई बहन का प्यार भी कितना अजीब होता ना। जब सेकंड राउंड में भाई की मार खाने की बारी आई तो मुस्कान उसको उठा के लेके चली गई, वरना हम लोग तो बजा डालते।